अमृत और रणधीर का रिश्ता बहुत पुराना है और पुराना रंग बहुत मुश्किल से छूटता है। लाहौर में दोनों की शादी होने वाली थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जितना हम रणधीर को जानते हैं वो इस रिश्ते से पीछे नहीं हटेंगे। वो अमृत को इस हालत में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में उनकी बात ना मानकर हम उन्हें अपने खिलाफ ही कर सकते हैं। और अगर उन्होंने अमृत के लिए हमें छोड़ दिया तो हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमें एक बेटा पहले ही खो चुके हैं, दूसरा बेटा खोने की हिम्मत नहीं हम में। नहीं भाभी, आप कमजोर नहीं पड़ सकती। यही तो असली इम्तिहान है रणधीर का। कल को उसे हमारे राजघराने की गद्दी संभालनी है, पता तो चले वो हमारी गद्दी के लायक भी है कि नहीं। उस लड़की का प्यार और हमारे राजघराने की इज्जत में दोनों में से वो किसको ज्यादा बड़ा समझता है पता तो चले। आज वो एक माँ की बात नहीं मान रहा है, कल को उस गद्दी पे बैठकर कोई और बात नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे? नहीं भाभी, हम ये नहीं देख सकते। सोचने वाली बात है भाभी। हमें तो बहुत अजीब लगा, पता नहीं आपको अजीब लगा कि नहीं। अमृत का अचानक चक्कर खा के गिर जाना, बेहोश हो जाना, ये कहीं किसी और बात का इशारा तो नहीं दे रहा है? जिस तरह हमने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है भाभी, कहीं वो अगर ऐसा होगा तो कयामत आ जाएगी। हम किस किस का मुंह बंद करेंगे, किस किस को जवाब देंगे भाभी? और ये बात तो आग की तरह रियासत में फैल जाएगी। नहीं भाभी, हमारे राजघराने के इतिहास में बरसों ऐसा नहीं हुआ। रानी साहिबा, बात कर लीजिए। डॉक्टर, आप बहू का चेकअप कर लीजिए और जो भी बात हो सीधा आके सिर्फ हमें बताइएगा। और ध्यान रहे, ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी रानी। डॉक्टर देखी ना क्या हो गया इन्हें, अचानक से एकदम चक्कर खा के गिर गई है। डॉक्टर, कोई चिंता करने की बात तो नहीं है ना? ये ठीक तो हो जाएंगी ना डॉक्टर? मुझे इनका अच्छे से चेकअप करने दीजिए, आप प्लीज जरा बाहर इंतजार कीजिए। आप देखिए। चिंता मत कीजिए रणधीर, कुछ नहीं होगा अमृत को, चिंता मत कीजिए। डॉक्टर, अगर आपका प्यार सच्चा है तो रणधीर को इस सच के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो आपकी तरफ उनकी हमदर्दी और बढ़ जाएगी और आपसे दूर जाने की बजाय वो आपके और करीब आ जाएंगे। कुर्बानी तो आपको देनी होगी अमृत। और बेचारी अमृत अपने आप को दोषी मानकर रणधीर की खुशी के लिए हमेशा के लिए इस राजमहल से दूर हो जाएगी। बचा कौन? रणधीर, उसको तो हम देख ही लेंगे। जो अंजाम हमने वीर को दिया है बिल्कुल उसी तरह हम रणधीर को भी हमारे रास्ते से हटाएंगे और फिर सब कुछ हमारा। कितना इंतजार किया है तुमने, कितनी कुर्बानियां दी हैं,
इस घर ने इस घर की बेटी को सबसे दूर रखकर जो कुछ भी छीना है वो अब सूट समेत वापस छीनने का समय आ गया। अगर आप रणधीर की जिंदगी से खुशियां नहीं छीनना चाहती हैं, तो आपको उनकी जिंदगी से दूर जाना होगा, साबित करना होगा कि आप स्वार्थी नहीं हैं। कुर्बानी तो आपको देनी होगी अमृत। अगर आप रणधीर की जिंदगी से खुशियां नहीं छीनना चाहती हैं, तो आपको उनकी जिंदगी से दूर जाना होगा। संतु बाबा जी, वो अमृत जी कहीं नजर नहीं आ रही है, आपने देखा उन्हें? जी मैंने तो नहीं देखा। बहु मंदिर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। माँ वो कल सिंगमुर गांव के लोगों के सामने आपको एक छोटा सा भाषण देना है। वो क्या है कि वहां से निकलने वाली नहर के लिए कुछ लोग हैं जो अपनी जमीन को देने के लिए तैयार नहीं है, बस आपको उनको राजी करवाना है। और मैं चाहता था कि ये स्पीच अमृत लिखे, बस इसी के लिए उनको ढूंढ रहा था। लिखवा लीजिए। हमारे अपने घर में तो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हो सकता है बाहर वाले हमारी बात का सम्मान रखने के लिए हमारी बात सुने। माँ प्लीज छोड़ दीजिए नई नाराजगी। माँ बस एक बार आप ठंडे दिमाग से परिस्थितियों पे विचार करके तो देखें, आप खुद अमृत को अपना लेंगी। और माँ सच कहूं तो आज इसका फैसला हो ही जाना चाहिए कि आपको राजघराने पे उठने वाली उंगलियों की परवाह है या अपने बेटे की खुशियों की। माँ मैं और अमृत आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उसके लिए तो मानो ऊपर वाले ने उसकी माँ वापस लौटा दी है। माँ बहुत इज्जत करती है वो आपकी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ माँ, बहुत सालों बाद मुझे और अमृत को ना माँ का प्यार मिला है, प्लीज हमसे नाराज मत होइए। रणधीर हमें थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। आप हमारे इकलौते बेटे हैं, भरोसा रखिए हम आपकी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। जी माँ। रणधीर भैया चलना हमारे साथ हॉकी खेलो। बेटा अभी थोड़ा सा काम है, बाद में खेलें। आपको हमारे साथ अभी खेलना होगा, बस पक्का थोड़ी देर से खेलें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।